हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। मनोहर लाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश कौशिक जी, अरविंद शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, आप लोगों के सुख दुख के साथ ही आपके उम्मीदवार भाई बेटे भाई योगेश्वर जी, आपके बहुत ही मेहनती हमारे संगठन के साथ ही पीछे आपके उम्मीदवार भी रहे भूपेंद्र मलिक जी, चौधरी किताब सिंह मलिक जी, तमाम मैं मंच की बात करूं तो फिर रूसा रूसी ज्यादा होगी। विधायक गण, दोनों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी गण, मेरे बुजुर्गों, इतनी देर शाम भी आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं बहनें युवा साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बखूबी आपके बीच में सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से लगी। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, आज आपको फैसला करना है कि आपकी लड़ाई अगले 4 साल आपके विकास के लिए कौन लड़ पाएगा, इन युवा साथियों के भविष्य के लिए कौन लड़ पाएगा। और आज आपके सामने दो उम्मीदवार, एक उम्मीदवार जिसने केवल मात्र हरियाणा ही नहीं दुनिया भर के अंदर आपका नाम रोशन करने का काम किया, अलग अलग देशों में जाकर मेडल जीतकर आपकी भैंसवाल की एक पहचान बनाई, और दूसरी ओर एक ऐसा उम्मीदवार है जिसका काम क्या है ये मेरे से ज्यादा बड़ौदा हल्के के लोग जानते हैं। लोग आज बात कर रहे हैं गोली चला दी, कब्जे कर लिए, मैं तो एक चीज बोलूंगा, एक तो हमारी ओर से गठबंधन की ओर से शुद्ध अथारा छोरा है और दूसरी ओर भालू नहीं गणाई चालू है। ये फैसला आप करो, आज बात कर रहे हैं लोग कि राज पलट जाएगा, राज नहीं नहीं पलटा करते। मुझे याद है 1 साल पहले जब प्रदेश में राज बना था, लोग कहते थे 1 महीने में राज घेर देंगे, 100 दिनों में राज घेर देंगे, 6 महीनों में राज घेर देंगे। साल मजबूती के साथ हमारी सरकार ने इस राज को चलाया और अगले 4 साल भी इसी मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर इस राज को हम चलाने का काम करेंगे। और आज सोच लो कि अगर 4 साल बड़ौदा का विकास पिछले 1 साल की तरह चाहिए, चाहे सड़कों की बात करो, पीने के पानी की, खेतों में पानी की, दो दो कॉलेज की, पंचायतों में ग्रांटों की, व्यायामशाला हो, खेलों के लिए स्टेडियम हो, बुटाना कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी की आपकी मांग हो, अगर किसी ने पूरा किया तो आपकी सरकार ने। आज बाबू बेटे आपके बीच में आते हैं, आके क्या बात करते हैं, मैं थारा हो, ताम मारे हो, गुवांडी हो, पड़ोसी हो, बैसवाल से तो कलोई हल्का कोई ज्यादा दूर नहीं। आज ये हालत है, सड़क 2 लेन की वहां से आती है, हल्के में आती आती 1 लेन की हो जाती है। अभी भूपेंद्र जी कह रहे थे कॉलेज तो बैसवाल के लिए किया अनाउंस, बना दिया कहां ले जाके, जसैया। बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज नहीं, 10 साल के राज में आप लोगों के साथ अनेकों बार धोखा देने का काम किया। मैं तो अभी किसी ने एक वीडियो सी भेजी, भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कोई नरवाणे का डॉक्टर है, नरवाणे का डॉक्टर है। मैं उस वीडियो को देखने के बाद एक चीज तो मान गया,
जहां पहले तो बरोदे का खौफ था, अब तो वो जो गाड़ी सोनिया गांधी ने दे रखी थी जिसका स्टेयरिंग पकड़ के चला रहे थे, सोनिया गांधी ने वो गाड़ी भी रणदीप के हाथ में देके और बिहार भेज दिया। बुजुर्गों युवा साथियों, आज तो भूपेंद्र हुड्डा जी को सपनों में पहले तो हम याद आया करते थे, अब तो रणदीप और दिखने लग गया कि बड़ौदा हार गया तो शायद प्रदेश की कमान भी उसके हाथ में दे दे। मैं तो आपसे आग्रह करता हूं, इन लोगों से हिसाब मांगो, आपके बीच में आते हैं, कि 10 साल के अंदर प्रदेश में बड़ौदा हल्के के लिए इनने क्या कर दिखाया था। रैली जरूर गुहाणा ठोकी थी, मगर गुहाणा की जनता ने उसके साथ साथ इनको जवाब भी देने का काम किया। और आज आपके पास मौका है, समय कम है, अब तो कोई 85 घंटे बाकी है पोलिंग के अंदर। मैं निवेदन करूंगा, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, भूपेंद्र जी ने, योगेश्वर ने आप सब से, गांव वालों से वोटों की अपील करी, मैं देख रहा था वोट कितने आए, 1710 एक के थे, 1790 एक के थे, दोनों मिला लो तो पिछले चुनाव में आप लोगों के यहां लगभग 3500-3600 वोट हमारे अलग अलग लड़ने के बावजूद भी भैंसवाल गांव ने दोनों कैंडिडेट को दिए और कांग्रेस के को दिए 700-725। और अब तो एक है वो ताकत बन जाओ, और जिस तरीके से चौधरी किताब सिंह जी को आपने 92% वोट गांव से दिए थे, मैं उम्मीद करता हूं बड़ा गांव है 4500 की लीड अकेला भैंसवाल गांव हल्के के अंदर भाई योगेश्वर की निकालने का काम करेगा। करोगे नहीं करोगे? हाथ ठा के विश्वास दिला दो, जिताओ। ये थारा छोरा है, इसकी जीत अगर किसी के हाथ में है तो वो जीत बड़ौदा हल्के के हाथ में है और खास तौर पर आपके अपने गांव के हाथ में है। और जितना जोटा मारोगे, करड़े होके जोर लगाओगे, ये विश्वास दिला देता हूं, चंडीगढ़ भेजना हमारा आपका काम, आगे झंडी देना, जिम्मेवारी देना मेरा और मनोहर लाल जी का काम है। मैं तो यही आग्रह, यही अपील आपके बीच में करने आया हूं। और बुजुर्गों युवा साथियों, एक चीज जरूर बोलूंगा कि जिन लोगों ने आपके यहां पर भ्रम फैलाने का काम किया, कई लोग कह देते हैं कि भाई ये सीट जीतते ही राज पलट जाएगा, तो 31 तो पहले भी कांग्रेस के थे, श्री कृष्ण हुड्डा जी तो आज हमारे बीच में नहीं रहे, 30 जब हो गए दोबारा 21, 31 करके तो राज नहीं पलट सकते। वही दूसरी और बात करें, ये हालत भी है कि एक विधायक का दल भी है, वो भी कहते हैं महाराज जिता दो, हम 2 से राज पलट देंगे। तो इसलिए 4 साल राज में सीर कर लियो मजबूती के साथ, एक एक वोट। 3 तारीख को बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साझे उम्मीदवार योगेश्वर के पक्ष में अपना एक एक कीमती वोट डालकर, कमल का बटन दबाकर भारी बहुमत से जीता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट अपील करते हुए, अभी आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ना सिर्फ योगेश्वर दत्त के लिए भैंसवाल में वोट अपील की, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कहा हुड्डा जी बस बात करते हैं, विकास के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, बड़ौदा में योगेश्वर की जीत को पक्की बताया दुष्यंत चौटाला ने। कहा एक एक वोट आप योगेश्वर को देने का काम करें।